मेरा इस जार काम ख़त्म हो गया था, अभी हम इसमें बनाएंगे। इसमें हमने डाला है आम और चाशनी और थोड़ा बर्फ़। तो अभी मिक्सचर हम चालू करेंगे। देखो यहाँ पे चालू कर दिया। वाह, इसका आवाज़ काफ़ी कर रहा है इसमें। देखो गाइस, वेलकम टू सत्य सुट्टू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। आई हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, सभी का जो टाइम हो रहा है 1 बज गया यार। तो यार पूरी आज हालत ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हो मैं अभी अपनी दूसरी दुकान पर आ गया यार। यहाँ से फ़ोन आया कि आ जाओ, तो भाई मैं यहाँ पे आ गया यार। पूरा हालत ख़राब हो जाती है यार दौड़ते दौड़ते। अभी वो भाई को चालू करवाया, ड्यूटी से छूटता हूँ पहले भाई का चालू करता हूँ, क्योंकि भाई 10 बजे आता है, फिर पापा को छोड़ता हूँ, फिर कभी काल यहाँ पे चक्कर मार देता हूँ। ये अपना तीसरी दुकान है, तो यहाँ पर आ जाता हूँ। तो आज यहाँ पर आ गया, तो अभी का जो टाइम हो रहा है गाइस 1:30 बज गया, यानी कि आज हमें घर जाने में 3 बज जाएगा। आपको तो पता है मैं नाइट ड्यूटी भी हुआ है, यहाँ देख सकते हो। नींद लग रहा है यार, क्या करें यार, धंधा इतना है ना, करना पड़ता है। सीधा ज़्यादा नहीं है सीजन ये धंधे का, तो करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं उसमें, क्या कर सकते हो। बड़ा देख सकते हो मस्त लाजवाब यहाँ पे। तो फिलहाल मैं आज 2 दिन से गर्मी बहुत काफ़ी है। देखो ऊपर अपना फ़ैन भी लगा रखा है, मस्त चल रहा है। किधर गया भाई, इधर ये देखो मस्त फ़ैन भी चल रहा है, लेकिन क्या है इसमें सब बांधा गया है रेड वाला कपड़ा ना, तो गर्मी खींच रहा है, तो गर्मी लग रहा है यार, हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो आपसे भाई रिक्वेस्ट है, ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देख सकते हो मेरी दुकान यहाँ की फर्स्ट क्लास मस्त एकदम, पर यार हालत ख़राब हो जाती है। अब आप सोचो मैं कितना ड्यूटी करता हूँ 24 घंटा, मैं कुल 4 घंटा सोता हूँ, 20 घंटा ड्यूटी करता हूँ, ना कोई करता है नहीं करता, पर क्या करें, अपना धंधा है तो यार करना ही पड़ता है ना। मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं रहता, बस इतना काम रहता है कि कुछ घटा या बढ़ा तो पहुँचाना है, फ़ोन आया तो मुझे पहुँचाना होता है, बस मैं यही करता हूँ। बाकी का पप्पा भाव मेरा छोटा भाई और भाई 3 दिन मिलकर 3 दुकान अपना आराम से सामान देते हैं। बस सामान थोड़ा, जब 3 दुकान है तो सामान पहुंचाने में तो थोड़ा वो लगेगा ही, घटा ही रहता है। ऐसा है नहीं कि नहीं घटा, से बराबर ही रहेगा, कभी क्या घट जाता है कभी क्या घट जाता है। तो अभी यहाँ पे आया तो भाई जो यहाँ का था, वो भाई उनको काम था, वो गए अभी 1 घंटे में आएंगे। तो अभी 1 घंटा मुझे यानी समझ लो कि 2:30-3 बजे तक यहाँ बैठना है। आज सोने को नहीं मिलेगा, आज 2-2.5 घंटा ही केवल सो पाऊँगा, क्योंकि नाइट में भी आज काम काफ़ी पड़ गया था यार, काम ज़्यादा आज हो गया। नाइट में भी थोड़ा भी नहीं सोया था नाइट में आज, तो पहले क्या है मशीन थोड़ा आराम से चलता था, थोड़ा बहुत सो लेता था, तो काम आज थोड़ा ही बहुत ज़्यादा काम था, थोड़ा भी नहीं सो पाया। पूरा रात भर रनिंग किया हूँ, अभी खाना भी नहीं खाया हूँ यार, सोच लो अभी टाइम जो हो रहा है, अभी मेरे पास घड़ी भी नहीं है, मोबाइल से भी ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम तो दिखाई नहीं पाऊँगा। ये फिलहाल अभी यहाँ पे वो देख के बता सकते हो आप, मौसम के हिसाब से तो पूरा एकदम यार लू चल रहा है, एकदम गांव में जैसे हमारे हैं ना उत्तर प्रदेश में लू चलता है, वैसे चल रहा है यार। 3 दिन से बहुत गर्मी है, पंखा लगा हुआ है फिर भी इतना देखो गर्मी हो रहा है पूरा, खाना भी गर्मी में नहीं खवा रहा है, दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो जा रही है। कितना लस्सी का दुकान, जूस जूस पी के टन पूरा टल्ली हूँ, नो टेंशन, खाना क्या ज़रूरत है, पूरा जूस जूस पी के पेट भर जा रहा है, और खाना खवाएगा भी नहीं, इतना गर्मी लग रहा है, दौड़ रहा हूँ। अभी मोबाइल देखो मेरा पूरा हीट हो गया यहाँ पर, भाई पूरा ऐसा लग रहा है चार्जिंग में लगा बैठा हूँ, हीट होता है ऐसा हीट हो गया अभी यार। इतना मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं यार, अपने भाई के लिए कुछ तो यार रिक्वेस्ट करो यार, शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस यहाँ देखो अपना मैंगो भरा हुआ है, इसमें खाली कर दिया, पूरा दुकान देख सकते हो, दुकान का लुक मस्त एकदम। अभी यहाँ पे 1 घंटा बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे, आज 2-2.5 घंटा सोने को मिलेगा ना, अपने को घर भी जाना है। आज तुम्हारा कितना तारीख हो गया, 9 तारीख हो गया, तो हमें अभी हमारा 14 तारीख को यानी 15 तारीख को नाइट में टिकट, यानी 14 तारीख को नाइट में हमें निकलना पड़ेगा, 12-12 बजे निकलना पड़ेगा, 1-1.5 बजे के आसपास हमारा ट्रेन है। तो यार नींद बहुत मस्त आ रही है, पर क्या करें यार, टाइम ही नहीं है सोने का, अभी सो जाऊँगा तो धंधा कौन देखेगा। बस 1 घंटा और इंतज़ार कर लो, उसके बाद घर पे चलूँगा, 1-2 रोटी खाएंगे, उसके बाद सीधा सो जाएंगे मस्त एकदम, नींद तो लगेगी नहीं, देखिए चलते हैं। तो गाइस मेरा इस जार काम ख़त्म हो गया था, अभी हम इसमें बनाएंगे। इसमें हमने डाला है आम और चाशनी और थोड़ा बर्फ। तो अभी मिक्सचर हम चालू करेंगे, देखो यहाँ पे चालू कर दिया। वाह, इसका आवाज़ काफ़ी कर रहा है इसमें, देखो अभी इसको छोड़ दिया, आराम से बनेगा कम से कम 12 से 15 मिनट तक। अभी इसमें तैयार है, इसमें 12 से 15 मिनट बनेगा, उसके बाद तैयार होगा। फिर दुकान का लुक देख सकते हो अपना, एक बैनर यहाँ पे, एक बैनर यहाँ पे, यहाँ पे खाली, यहाँ जस्ट रोड के बाजू में पूरा मस्त एकदम लुक आ रहा है। यहाँ पे पंखा लगाए पर यार गर्म गर्म हवा फेंक रहा, हालत ख़राब हो जा रही है। और आपका भाई यहाँ पर अभी, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।
गाइस यार कल दोपहर के बाद यार अभी से टाइम मिला, अभी का जो टाइम है यार टाइम ही क्या बताऊँ, सुबह हो गया है, कल के बाद अभी सुबह हो गया, तो अभी हम करेंगे नया स्टार्ट ब्लॉग का। तो गाइस अभी जो ये ब्लॉग है इसको करेंगे द हिल, क्योंकि फिलहाल में तो वक्त तो है नहीं अपने पास, आपको तो पता ही है। गाइस आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे, इतना यार मेहनत से ब्लॉग बना रहे यार कुछ तो भाई के लिए बच्चो, गाइस यार ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग कैंसिल करते हैं, बाय बाय। बाहर का मौसम देख सकते हो, मस्त एकदम दोस्त वगैरह एकदम ठंडी हवा आ रही है, बाय बाय।